इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 पेपर से शब्द युग्म टॉपिक। सो ये हमारे पास एचसीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप यूपीपीसीएस या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें हर साल यूपीएससी में 5 क्वेश्चंस होते हैं शब्द युग्म के, सेम पैटर्न एचसीएस में भी रहते हैं कि उसमें भी 5 ही क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम किसी एक का मतलब पता होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द युग्म होंगे जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करेंगे, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है मध और सेकंड है मत। इसे लिखने का तरीका यही होता है कि या तो आप इनका सेपरेटली मीनिंग कन्वे कर दीजिए कि मध का मतलब क्या होगा और मत का मतलब क्या होगा, सेपरेटली मीनिंग कन्वे कर दीजिए, राइट। या फिर जब आप पूरा सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो ब्रैकेट में मीनिंग मेंशन कर दीजिए कि मध का मतलब क्षेत्र है और मत का मतलब मान्यता। तो शुरू करते हैं। मध का मतलब होता है क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में किया गया खर्च इस मान्यता पर आधारित होना चाहिए कि व्यय का सर्वोत्तम निष्पादन हो, मतलब कि जो खर्च हो वो सबसे बेस्ट वे में हो। तो मध का मतलब क्षेत्र एरिया और मत का मतलब मान्यता, मेरी यही मान्यता है। सेकंड अक्षर, अक्षर और अक्षत। अक्षर का मतलब तो होते हैं वर्ण, वर्ण के समूह को, जैसे अक्षर अ क ख, ये वर्ण हो गया आपके पास, वर्ण के समूह को अक्षत। अक्षत मतलब समूचा, जिसको कोई क्षति ना हुई हो। क्षत का मतलब क्षति, अक्षत जिसको कोई भी क्षति ना पहुंची हो, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट। तो वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, तो अक्षत मतलब कि पूरा कंप्लीट और अक्षर मतलब कि वर्ण। देन प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रण, मतलब कसम खाना, ठीक है। प्रण नहीं याद आ रहा तो आप कसम खाना भी लिख सकते हो। कसम को पूरा करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब कि इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा का मतलब इंतजार। अनल, अनल का मतलब होता है कि आग, जैसे आग को बुझाने के लिए नल से हम क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अनल का प्रसार कम करने के लिए अनिल सदैव सहायक नहीं होता, आग लगी हुई है उसे रोकने के लिए हवा हमेशा, ऐसा नहीं होता कि हवा बुझाएगी उसको, काफी बार हवा आग भी लगाती है, जैसे फॉरेस्ट फायर होती है वहां पे पवन की वजह से आग और ज्यादा फैलती है। तो अनिल का मतलब होगा पवन और अनल का मतलब होगा आग। अब काफी बार कंफ्यूजन ये होती है कि हमें दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज करना है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दो डिफरेंट छोटे छोटे सेंटेंस बना लो, उसको कंजंक्शन किसी भी, जैसे और से, एवं से, इनसे जोड़ दो, ठीक है। दो छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म कर लिए, एक अनल से कर लिया, एक अनिल से कर लिया, उसके बाद उन दोनों को जोड़ दो किसी भी कंजंक्शन से। देन प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है कि साक्ष्य, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, असत्य को दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार और प्रमाण का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत, ठीक है, सबूत कह सकते हैं इसे। तो प्रणाम का मतलब नमस्कार। डिस्कस करते हैं यूपीएससी 2014 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शब्द युग्म के, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए मेंस हिंदी के लिए और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए भी। सबसे पहले वर्ड है आभास। आभास का मतलब होता है कि एहसास होना, मतलब मुझे ये आभास हुआ, एहसास हुआ मुझे ये। और आवास का मतलब होता है घर, रहने का स्थान। वास का मतलब होता है स्थान, रहना, ठीक है, अज्ञात वास। तो आवास का मतलब होता है घर, रहने का स्थान। अभी और अनभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, और अनभिज्ञता का मतलब होता है अज्ञानता। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्ञ वर्ड जानने से रिलेटेड होगा, तो अभिज्ञ, अनभिज्ञता मतलब अज्ञानता, अन मतलब कि नहीं, कुछ भी नहीं पता, और अभिज्ञ मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट है कृपण और कृपान। कृपण का मतलब है लोभी, ठीक है, एक लोभी पुत्र ने धन की प्राप्ति के लिए अपने भाई पर कृपान, कृपान का मतलब होता है धारदार हथियार, कोई भी हथियार, उससे हमला कर दिया। एक लोभी लालची पुत्र ने धन की प्राप्ति के लिए अपने भाई पर हथियार से हमला कर दिया। नेक्स्ट है तप्त। तप्त का मतलब होता है गर्म, और तृप्त का मतलब होता है आनंद, मतलब ब्लिस, सेटिस्फाइड है वो पर्सन, तृप्त हो गया। तो गर्म धातु से आहत करने पर भी संत महात्माओं ने अध्यात्म से तृप्त होने का मार्ग नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है नीरद और नीरज। नीरज का मतलब होता है कमल के फूल, कमल, कमल के खिलने के लिए जलाशय नीरद की गंगोर वर्षा से भर जाता है,
नीरद का मतलब है बादल, मतलब ये काइंड ऑफ सिनोनिम्स का सिनोनिम्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बादल को, बादल के पर्यायवाची क्या होंगे, ठीक है, और कमल के पर्यायवाची क्या है। तो उसमें बेसिकली ये सारी चीजें ना आपके पास वोकैबुलरी है, शब्द ज्ञान है, चाहे वो आप वाक्यांश से लो, चाहे वो विलोम शब्द से लो, चाहे वो शब्द युगम से लो, चाहे वो संधि से लो, किसी भी टॉपिक से लो, आपको सिर्फ अपनी वर्ड्स की नॉलेज एनहेंस करनी है, नॉलेज उनकी बढ़ानी है शब्दों की। तो नीरज का मतलब होता है बादल, नीरज का मतलब है कमल। अब सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हो। तो ये पांच थे, मोस्टली हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली इनमें से कुछ चीजें रिपीट भी हो सकती हैं, एक या दो वर्ड्स या एक या दो शब्द युगम, तो वो आपको बहुत फायदा देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2015 और 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शब्द युगम के।